हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं, जो कि बायोलॉजी का एक चैप्टर है। लास्ट चैप्टर जो हमने कवर किया था वो चैप्टर 1 था, जो एक केमिस्ट्री का चैप्टर था, और अब चैप्टर 5 सेल, जो बायो का एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। ये सेल चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सेल जो होता है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, चाहे वो आप बैक्टीरिया कह दो जो दिखाई नहीं देता है, से ब्लू व्हेल कह दो, एलिफेंट कह दो जो बहुत बड़े दिखाई देते हैं, सभी सेल से ही मिलके बने हुए हैं। तो अगर मैं कहूँ तो इस ढंग से सेल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमसे जुड़ा हुआ है। आप बाद में चाहे मेडिकल लाइन में जाओ नहीं जाओ, लेकिन जब 10th क्लास तक की बात करें तो कुछ चैप्टर्स जो बायो के साइंस में हैं आपके, तो वो बस इसी उससे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें अपने बारे में समझा रहे होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो पहली बात आपको जाननी है वो ये कि नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब अगर मैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली इकाई क्या है किसी भी जीवन की, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो लाइफ बनाने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए, तो वो है सेल। अब कोई पूछ ले सेल क्या होता है और सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, तो सेल कुछ नहीं है, सेल इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि सेल जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी हम जो हैं सेल से ही बने हुए हैं और हमारे सारे फंक्शंस को भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेल ही परफॉर्म करता है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट है हमारी लाइफ की। ठीक है, अब अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है सेल को क्यों स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, तो उसका आंसर है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। सारे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बेसिकली लिविंग के लिए यूज होता है, तो सारे लिविंग थिंग जो हैं वो बने हुए हैं सेल से या उनके प्रोडक्ट से, और सारे फंक्शन भी जो हैं वो यही सेल परफॉर्म करते हैं, टिश्यू बना के, ऑर्गन बना के, ऑर्गन सिस्टम बना के। ठीक है, तो अब आगे बढ़ने से पहले एक कंपेरिटिव वो लेते हैं हम, कि कंपेयर करके देखते हैं आखिर ये सेल कैसा काम करते हैं या किस ढंग से काम कर रहे हैं। तो अगर आपने एक बिल्डिंग की बात करूं कि आपने बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, तो आपने क्या देखा, पहले हमें बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए, ब्रिक्स यानी ईंटें चाहिए, उससे हम क्या करते हैं दीवार बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं, फिर चार दीवार और ऊपर से एक दीवार डाल देते हैं तो एक कमरा बन जाता है, रूम बन जाता है, फिर रूम एक बनने का उसके ऊपर एक और हम ऐसा ही दीवार वगैरह बना के एक और रूम तैयार कर देते हैं, तो फ्लोर बन जाता है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर या स्टोरेज जो आपने पढ़ा होगा, 2 स्टोरेज 3 स्टोरेज, और फिर ऐसे करके जब हम 3 4 फ्लोर बना देते हैं तो हम उसे बिल्डिंग कह देते हैं। ठीक है, तो किसी बिल्डिंग बनाने के लिए जो फंडामेंटल यूनिट थी, यानी कि एक इकाई थी जिससे हमने शुरू की, वो क्या थी, ईंट थी, ब्रिक थी। तो वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिविंग लिविंग थिंग की बात करें, या सीधा कहूँ ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उनको क्या चाहिए होता सबसे पहले चीज, सेल। यानी जैसे ब्रिक था, ब्रिक की तरह क्या काम कर रहा है, सेल। सेल क्या बनाता है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू, और टिश्यू बहुत सारे मिलके ऑर्गन, और ऑर्गन बहुत सारे मिलके ऑर्गन सिस्टम, और फिर बनता है ऑर्गेनिज्म। तो इस ढंग से कहा गया है एज ब्रिक आर फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ बिल्डिंग, ब्रिक जो था एक बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए थी, वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म को बनने बनने में सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो सेल चाहिए होती है। ठीक है, अब ये भी बता चुका हूँ कि चाहे वो छोटा जीव हो जैसे बैक्टीरिया या चींटी एंट, या फिर कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म हो जैसे व्हेल या एलिफेंट, सब बने हुए हैं सेल से। अब जब सेल की बात शुरू ही हो गई है तो अब इस थोड़ी सी हिस्ट्री पार्ट भी जान लेते हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स में आ सकता है कि आखिर सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी। ठीक है, तो अगर मैं इसके हिस्ट्री पार्ट पे देखूं तो सबसे हिस्ट्री में क्या जान रहे हैं हम, डिस्कवरी ऑफ सेल, तो किसने की थी, रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और कब की थी, 1665 में। और
कैसे की थी, तो वो क्या कर रहे थे, एक स्लाइस, पतली स्लाइस उन्होंने ली थी कॉर्क की। कोई पूछ लेना कॉर्क क्या होता है, तो ये वो कॉर्क नहीं है जो बैडमिंटन के नीचे जो उसका कॉर्क होता है जिसे आप यहाँ से वहाँ मारते हो, ये कॉर्क है, बार्क ऑफ ट्री समझ लो आप, बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, सिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा टिशूज होते हैं, ठीक है, टिशूज होते हैं, वो भी सेकेंडरी, सेकेंडरी या लेटरल टिशू कहते हैं। तो ये छल्ले होते हैं, बाहर का जो ब्राउन ब्राउन सा लेयर दिखाई देता है ना पेड़ का, तो उसे समझ लो आप अभी कॉर्क। तो कॉर्क की जो पढ़ाई कर रहे थे वो लेके, और किस पे, खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप पे, सेल डिजाइंड माइक्रोस्कोप, खुद बनाई थी उन्होंने, डिजाइन की थी माइक्रोस्कोप, उसमें उन्होंने क्या किया, पेड़ का छल्ला लिया, बार्क लिया, और उसकी पढ़ाई कर रहे थे 1665 में। तो उनको क्या, किसकी खोज कर दी उन्होंने, सेल की, ठीक है। और उन्होंने सेल को जब, मतलब उस छल्ले को या कॉर्क को देख रहे थे, तो उनको क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि वो जो छल्ला है माइक्रोस्कोप के अंदर यानी कॉर्क है, वो हनीकॉम की तरह दिख रहा है, मधुमक्खी की छत्ती की तरह दिख रहा है। और मधुमक्खी का छत्ता अगर आपने जाना होगा तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, यानी कि खाली जगह दिखाई दे रही होती हैं। तो सेल का मतलब भी यही है, सेल लैटिन वर्ड में अगर देखें तो इसका मीनिंग जो है लिटिल रूम, खाली एक छोटा सा रूम। तो समझ आ गया, अब कोई भी पूछेगा कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। कब की थी, 1665 में। कैसे की थी, तो वो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क की स्टडी कर रहे थे सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप से, तो उन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लिया था क्या, सेल। और सेल में उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने स्लाइस को देखा था तो उन्होंने देखा कि ये हनीकॉम की तरह दिख रहा था उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर, हनीकॉम यानी मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रहा था। तो सेल का मतलब भी होता है लैटिन में ए लिटिल रूम, यानी एक छोटा सा कमरा, ठीक है। तो अब हम प्लांट सेल को लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि उसको जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो कैसा दिखाई देता है। तो अगर आपसे पता है, एक्टिविटीज़ आएंगी आपके स्कूल में करवाई जाएंगी, उस एक्टिविटीज़ में आपको दिखाएंगे कि स्लाइड कैसे बनाते हैं। तो स्लाइड बनाने का तरीका होता है, एक रेक्टेंगुलर ग्लास होता है, ठीक है, और क्या करते हैं कि जैसे मैं अनियन ले लूँ, प्लांट सेल के नाम पे मैं अनियन का पील लूँ, छिलका लूँ, तो आपने देखा होगा प्याज को जब लेते हैं तो उसमें से एक पन्नी पन्नी सी निकलती रहती है, तो उस पन्नी को निकालेंगे, ठीक है, पन्नी को निकाला और उसके ऊपर सेफरीन, ठीक है, सेफरीन डालते हैं। सेफरीन क्यों डालते हैं, तो उसे स्टेन यानी कलर देने के लिए, क्योंकि अगर हम कलर नहीं देंगे तो हमें सेल जो है माइक्रोस्कोप के अंदर या उसके अंदर का न्यूक्लियस नहीं दिखाई देगा, तो सेफरीन डाल देते हैं। तो सेफरीन को डाले हुए जो सेल था, प्लांट सेल यानी कि अनियन पील जो हमने लिया था, उसको फिर इस ग्लास के ऊपर प्लेस कर देते हैं, फिर ऊपर से एक और लगा देते हैं ग्लास, ठीक है, ऐसा ही, और फिर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसको देखोगे गौर से तो इसमें ये जो डॉट डॉट हैं ये न्यूक्लियस होते हैं, और ये जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, और इन इस पूरा आप क्या कहते हो कि एक सेल जो ये है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, और ये जो खाली जगह होती है ना इसमें फ्लूड होता है, वाटरी टाइप कोई चीज़ होती है, जेली टाइप, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो कोई भी एक टाइपिकल जो सेल होता है, फिर प्लांट हो एनिमल हो, उसमें तीन चीज़ें तो होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। अब थोड़ा सा एनिमल सेल की भी बात कर लेते हैं। तो एनिमल के अंदर कोई फिक्स साइज या शेप नहीं होता, बहुत साइज और शेप के सेल्स मिलते हैं। तो कुछ का डायग्राम आपको दिखाया गया, जैसे ब्लड सेल में आरबीसी का दिखा दिया गया है, ठीक है, रेड ब्लड सेल का, ऐसे मसल सेल जो हमारी मसल्स होती हैं उसमें कैसे सेल्स होते हैं, नर्व सेल जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है ब्रेन से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्रेन तक जो है जाते हैं, तो उसके जो यूनिट्स होती है वो नर्व सेल्स होती है, तो नर्व सेल का डायग्राम, ऐसे ओवम जो फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, तो स्पर्म मेल गैमेट होता है, तो ये सेल्स हैं, तो अलग अलग, तो डिफरेंट साइज एंड शेप सेल्स आर प्रेजेंट। तो एनिमल के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट शेप और साइज के सेल प्रेजेंट होते हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट है वो जान लेना है, अगर आपसे कोई पूछेगा लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा,
लॉन्गेस्ट सेल यानी सबसे लंबा सेल नर्व सेल जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम करवाता है। स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया होती है, एक आगे जाके पढ़ोगे ठीक है। इसी को जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो 7th चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ल्ड आएगा, तो उसमें जानेंगे। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है सबसे छोटा सेल, और ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल यानी ह्यूमन में पाया जाने वाला सबसे छोटा सेल स्पर्म होता है यानी मेल गैमेट होता है। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल यानी कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, तो दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किन्हें कहते हैं, तो जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है ठीक है, सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और सारा फंक्शन जो है उनके अंदर वो सिंगल सेल ही करता है, और इनकी जो लाइफ स्पैन होती है यानी इनका जो जीवन काल होता है यानी कितना जीते हैं वो बहुत छोटा होता है ठीक है। एग्जांपल के लिए अमीबा बैक्टीरिया कुछ होते हैं, पैरामीशियम, तो ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। वहीं दूसरे मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे हम हो गए, और ये सारे के सारे सेल अलग अलग फंक्शन करते हैं ठीक है। एंड इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग, और इनका जो जीवन काल होता है ठीक है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किस चीज़ से बना होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि हर सेल के अंदर चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो तीन चीज़ें तो होंगी। सेल मेम्ब्रेन होता ही है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये बाहर होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस जो कि हेडक्वार्टर ऑफ सेल कहलाता है या ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है, सारा काम जो है सेल का वो यहीं से कंट्रोल होता है न्यूक्लियस से। साइटोप्लाज्म जो फ्लूड या जेली लाइक कॉम्पोनेंट होता है सेल का, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें एक और एडिशनल चीज़ आ जाती है, वो है सेल वॉल जो सिर्फ प्लांट में होता है एनिमल में नहीं होता है। तो ये चार कॉम्पोनेंट्स हो गए मेन किसके, सेल्स के। तो अब आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उससे कैसे मूवमेंट होती है सब्सटेंस की, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर जो है कोई भी चीज़ जाएगी तो सबसे पहली चीज़ उसे किस उन चीज़ों को क्या मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन मिलेगा जिससे कि उन्हें अंदर बाहर करना होगा। तो कैसे होता है, तो प्रोसेस है जिसका नाम है डिफ्यूजन, जो मैंने पहले चैप्टर में भी समझाया था कि ये क्या होती है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है सब्सटेंस की फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन, यानी कि ज़्यादा वाले कंसंट्रेशन वाली जगह से कम जगह वाले में होती है। जैसे एग्जांपल समझाया था मैंने आपको कि सूखा कपड़ा अगर पानी में डालोगे तो पानी कहाँ पे ज़्यादा होगा, बाल्टी में, और कहाँ कम होगा, कपड़े में। तो पानी का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, बाल्टी से कपड़े की ओर होगा, यानी ज़्यादा रीजन वाले से कम रीजन वाली जगह पर होगा, तो इसी को डिफ्यूज़न कहते हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या डिफरेंट जो आइटम्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो इसी प्रोसेस से किसके अंदर, सेल के अंदर या सेल से बाहर जाते हैं। अब इसी में एक स्पेशल और टर्म आता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस कुछ आगे कहते हो अलग शब्द नहीं है, ये स्पेशल टाइप की डिफ्यूज़न ही होती है। कैसे, तो इसमें मूवमेंट होती है उसमें किसी भी सब्सटेंस की हो सकती है, लेकिन ऑस्मोसिस में जो है वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की या सॉल्वेंट की होती है, किसी भी लिक्विड की होती है ठीक है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है, लेकिन कोई भी सब्सटेंस नहीं, सिर्फ लिक्विड ठीक है, या सॉल्वेंट या वाटर कह दो। और ये क्या है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, तो वही है ऑस्मोसिस, क्या है, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और डिफ्यूजन तो ही बताता है। अब सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ जाता है पेपर में, वो क्या कि सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं। तो सेलेक्टिवली मतलब होता है जो कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही परमिएबल यानी परमिशन देता है, तो उसे आगे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों, बिकॉज इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्योंकि ये नियंत्रित करता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है अंदर या बाहर आ जा सके। तो इट मीन्स डैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ सम मटेरियल टू पास थ्रू इट, वाइल एट द सेम टाइम इट ब्लॉक्स अदर मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग थ्रू इट।
यानी कुछ चीज़ों को जो ठीक होती है जिसकी ज़रूरत होती है उसे आने देता है, उसी समय पे कुछ चीज़ों को जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसकी एंट्री को यानी सेल के अंदर या सेल के बाहर जाने से रोक देता है। तो क्योंकि इसके पास ये एबिलिटी है, ये अलाउ या इनिबिट करता है एंट्री इन और आउट ऑफ द सेल, तो इसी कारण से इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी किसी चीज़ को सेलेक्ट करके परमिशन देने की वाला मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। क्या होगा अगर हम सेल को रखेंगे वाटर सॉल्यूशन में, और वो भी वाटर सॉल्यूशन किस चीज़ का, या तो चीनी का या नमक का। तो चीनी या नमक के घोल में, ठीक है, हम क्या करेंगे अगर सेल को रखेंगे तो सेल का क्या होगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कि उसमें वाटर कितना है, तो तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। हाइपरटॉनिक, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म टॉपिक है, सही से पढ़ना। हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, आइजोटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, यानी हाइपर आइजो हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसके अंदर पानी कम होता है और सॉल्यूट ज़्यादा होता है। जैसे अगर मैं ऐसा कोई घोल तैयार करूँ जिसमें चीनी या नमक ज़्यादा मिला दूं और पानी कम हो, तो वैसा सॉल्यूशन जो होगा वो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन होगा। आइजोटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें इक्वल कंसंट्रेशन होती है वाटर की और सॉल्यूट की, यानी सॉल्यूट चीनी नमक कह सकते हो, तो दोनों की इक्वल होती है कंसंट्रेशन। हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट उसे कहते हैं जिसमें वाटर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पानी ज़्यादा होगा और सॉल्यूट यानी कि चीनी और नमक कम होगा, तो ऐसा सॉल्यूशन जो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब इन तीनों सॉल्यूशन में अगर हम सेल को प्लेस करेंगे तो सेल के ऊपर क्या आगे इफेक्ट दिखेगा, उसको अब हमें आगे पढ़ना है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पहले बता चुका हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन वाटर आउटसाइड द सेल। जैसे मैंने एक वो लिया, कंटेनर लिया, उसके अंदर कैसा सॉल्यूशन रखा है? हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन रखा है। और हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन बताया था जिसमें कि जो पानी है वो कम होता है और सॉल्यूट जो होता है, अगर मोटा मोटा कुछ दिखा दूँ चीनी नमक, तो वो ज़्यादा होता है। तो इसमें अगर मैंने क्या किया, सेल को प्लेस किया, तो सेल के अंदर जो वाटर है वो ज़्यादा है और बाहर जो वाटर है वो कम है, क्योंकि हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि मैंने बताया हुआ है डिफ्यूज़न होती है या ऑस्मोसिस होती है। ऑस्मोसिस कहाँ से होती है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होती है। तो यहाँ पे पानी जो है सेल के अंदर ज़्यादा है और सेल के बाहर जो हमने सॉल्यूशन लिया उसमें पानी कम है। तो जो पानी है वो सेल से निकल के कहाँ आएगा, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आएगा, तो सेल के अंदर से पानी बाहर आ जाएगा कंटेनर के अंदर। तो इससे क्या होगा, सेल पानी लूज करेगा, खो अपना पानी लॉस करेगा, तो इस कारण से सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा यानी सिकुड़ जाएगा। तो यही होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल इज लेस देन, यानी बाहर जो है सेल के पानी वो कम है इनसाइड द सेल, इनसाइड ऑफ सेल से कंपेयर में। तो इससे क्या होगा, सेल लूज करेगा वाटर यानी डिफ्यूजन प्रोसेस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस, तो और श्रिंक सिकुड़ जाएगा। अब हाइपोटॉनिक समझते हैं। हाइपोटॉनिक बताया था जिसमें कॉन्सेंट्रेशन जो है यानी बाहर जो पानी है वो बहुत सारा है, ठीक है, कंपेयर करें अंदर से, तो सीधी सी बात, हाई कंसेंट्रेशन बाहर है, लो कंसेंट्रेशन अंदर है। तो यहाँ से पानी जो है क्या करेगा, आउटसाइड से इनसाइड में मूव करेगा यानी सेल के अंदर पानी जाएगा। तो इस कारण से सेल क्या होगा, स्वेल, फूल जाएगा, और हो सकता है सेल फूल जाए और ज़्यादा फूलते फूलते फट भी जाए। ठीक है, तो ये था। और तीसरा जो है वो है आइजोटॉनिक सॉल्यूशन। आइजोटॉनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, इसमें अंदर और बाहर जो है दोनों में वाटर की कंसंट्रेशन सेम होती है, तो जितना ये पानी लॉस करता है उतना ही ये गेन कर लेता है, तो इस कारण से सेल रिमेन सेम साइज। ठीक है, सेल हमेशा सेम साइज का रहता है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को आइजोटॉनिक, उसमें पुट किया तो साइज में सेल के ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता है, क्योंकि जितना वो लूज करेगा वाटर उतना ही गेन कर लेता है, क्योंकि आउटसाइड और इनसाइड दोनों में इक्वल कंसंट्रेशन होती है वाटर की। इसको चेक करने के लिए आप रेजिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, रेजिन यानी किशमिश। तो किशमिश को अगर आप किस में डालेंगे, हाइपरटॉनिक में डालेंगे तो किशमिश सिकुड़ जाएगा, अगर आइजो में डालेंगे तो लगभग वैसा ही रहेगा, और हाइपो में डालेंगे तो फूल जाएगा। ठीक है, तो उसको डाल के आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये था।
आज के लिए इतना ही, ठीक है? और होप आप लोगों को समझ आया हो आज की क्लास का। अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।